नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी 51 की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 6 है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएससी जनरल नॉलेज सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट नहीं है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिए। जो सिलेबस है यूपीएससी 51 का जनरल नॉलेज का सिलेबस वाइज सारे मटेरियल दिए जा रहे हैं। एक सूचना आप लोगों को सभी लोगों को देनी है कि जो लोग सीरियस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए, वह लोग हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। UPMP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर वन की संपूर्ण तैयारी, सारगर्भी तैयारी रामबाण तरीके से लगातार हो रही है। 999 रुपये का बैच है ये UPMP दोनों के लिए, MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर वन और UP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर वन, मतलब GK, 999 रुपये की बैच में। इसमें आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और परीक्षा होने तक हम आपके साथ रहेंगे। जो भी लोग इच्छुक हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों का सब्जेक्ट इतिहास है उन लोगों के लिए इतिहास के सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, 1499 रुपये का बैच है, वह भी लोग मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यह टेस्टरी संख्या 6 है। और एक बात और आप लोग को बता दूँ, एक इस बात की मैं पूरी तरह से गारंटी देता हूँ कि परीक्षा होने तक अगर आपने पीसीएस पाठशाला को फॉलो कर लिया है, पीसीएस पाठशाला के सभी मैटर को देख लिया है, तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेंगे। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। 30 प्रश्न जो GS का आएगा UPSC में, 30 प्रश्न में से 26, 27, 28 प्रश्न का मैं दावा कर सकता हूँ, 28, 29, 30 प्रश्न तक का मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ तक उतने प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। और परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जो लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वह लोग बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और यह टेस्टरी संख्या 6 है, टेस्टरी संख्या 6 है। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। UPSC 51 GS सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 86 देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा जाता है? अगर BR अंबेडकर की बात न किया जाए तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन यहाँ अगर BR अंबेडकर की बात किया जा रहा है कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने कहा है, ठीक है, कि भारतीय संविधान का हृदय यानी आत्मा, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 32 जो होगा वो इसका सही होगा, अनुच्छेद 32 मतलब विकल्प डी। प्रश्न 87 देखिएगा। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, या सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, या जाति रंग नस्ल या लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होने चाहिए? तो यही है, ठीक है, यही है आपका कि जाति रंग ये आपका विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 88 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाएगा? एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या फिर धर्म विरोधी राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य है कि सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य है? तो देखिए, ये धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला जो राज्य होगा यही आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, विकल्प सी, ठीक है। प्रश्न 89 देखिएगा। कुछ लोग सोच लेंगे विकल्प डी सही होगा, सभी धर्मों को राज्य की धर्म मानने वाला, ऐसी बात ही है, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। प्रश्न 89 देखिएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ दे सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र का जो आदर्श है, ठीक है, भारतीय संविधान के जो निर्माता लोग हैं, ठीक है, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो लक्ष्य हैं, वो कहाँ दिखाई देते हैं? तो प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में ही दिखाई देते हैं। संविधान की प्रस्तावना को लघु संविधान कहा जाता है इसलिए, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 90 देखिएगा। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो देखिए, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? तो ब्रिटेन की, ठीक है। यह प्रश्न इस तरह से भी आपको पूछ सकता है कि विधि का शासन संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो यह सब चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा, ब्रिटेन।
प्रश्न 91 देखिएगा, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, भारत के संविधान में जो भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। विकल्प डी जो है वो आपका सही है, राज्यों का संघ। प्रश्न 92 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है, किसमें कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है, तो किसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है धर्मनिरपेक्षवाद कि राज्यों को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, संघवाद होना चाहिए, संघवादी व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं, यह किस निर्णय में कहा गया है, किस आधिकारिक निर्णय में कहा गया है, तो एस आर बोम्बई मामले में कहा गया है, एस आर बोम्बई मामले में यह कहा गया है, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है, एस आर बोम्बई मामले में कहा गया है, तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 93 देखिएगा, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है, आधारित लोकतंत्र जो है किससे संबंधित है, शक्तियों के हस्तांतरण से, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से, या पंचायती राज प्रणाली से, या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा विकल्प डी, ठीक है, उपयुक्त सभी विकल्प डी जो होगा आपका सही होगा, उपयुक्त सभी। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है, शक्तियों के हस्तांतरण से संबंधित है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से भी संबंधित है, और पंचायती राज प्रणाली से भी संबंधित है। प्रश्न 94 देखिएगा, एक तंत्र का अर्थ क्या है, एक तंत्र का क्या अर्थ होता है, कुछ के द्वारा शासन, राजा द्वारा शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, वही होता है एक तंत्र, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, विकल्प सी। प्रश्न 95 देखिएगा, 95 सार्वजनिक यानी सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार दर्शाता है, क्या दर्शाता है, धर्मनिरपेक्ष दर्शाता है, या समाजवादी दर्शाता है, या लोकतांत्रिक दर्शाता है, या प्रभुत्व संपन्न, तो लोकतांत्रिक दर्शाता है ना, सार्वभौमिक मताधिकार जो होता है वह लोकतांत्रिक स्थिति को दर्शाता है, तो विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 96 देखिएगा, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व क्या ये है, विधि शीर्ष का प्रभुत्व क्या ये है, या राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, या जनता का प्रभुत्व, तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या होती है, क्या होती है आप ये बताएं, तो यह आपका जनता का प्रभुत्व जो होगा, जनता का प्रभुत्व ही तो लोकप्रिय, लोकप्रिय लोक का मतलब क्या होता है, सभी लोग, जो सभी लोगों को प्रिय हो, लोकप्रिय नेता जो सभी लोगों का प्रिय हो, तो क्या होगा, जनता का प्रभुत्व होता है, ठीक है, विकल्प डी। प्रश्न 97 देखिएगा, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है, जनता द्वारा, राजा द्वारा संविधान की रचना करना, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के शक्तियों का प्रयोग, ठीक है, तो यही होगा विकल्प सी, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या होता है, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रभु का प्रयोग, मतलब संवैधानिक, मतलब संविधान के द्वारा जो मिल रहा है राजसी शक्ति, ठीक है, तो यह होता है विकल्प सी, ठीक है। प्रश्न 98 देखिएगा, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है, तो यह कई बार रिपीट हुआ है और कई बार मैं बताया हूँ कि संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 99 देखिएगा, 99, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, किस तंत्र में कुछ लोगों का शासन अधिक लोगों पर होता है, तो उसे क्या कहेंगे, अल्पतंत्र कहेंगे, अल्पतंत्र में कुछ लोगों का शासन अधिक लोगों पर होता है, एक तंत्र में एक व्यक्ति का शासन सभी लोगों पर होता है, बहुत सारे ऐसे देश हैं आप जानते हैं तानाशाही व्यवस्था वाले, राजतंत्र में राजा का शासन रहता है जो अपने अधीनस्थों के सहायता से भी शासन कर सकता है, अपना स्वनिर्णय भी ले सकता है, धनिक तंत्र में धनी लोगों का शासन रहता है जो समाज के वरिष्ठ और महाजन लोग रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ लोगों का अधिक लोगों पर शासन मतलब अल्पतंत्र। प्रश्न 100 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से लिया गया है, देखिए संविधान संशोधन की बात कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, अमेरिका से, या फिर दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से। देखिए संविधान में जो संशोधन की बात की जाती है, संविधान में जो संशोधन की प्रणाली है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है, ठीक है, यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है,
तो वह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मैं फिर बोल रहा हूँ पीसीएस पाठशाला को आप हल्के में मत लीजिए, नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए। यहाँ पर देखिए 100 प्रश्न कम्प्लीट हो चुके हैं और बहुत जल्द आपको 1100-1200 के प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से मैं लगातार कराता रहूंगा। मैं फिर मैं बोल रहा हूँ कि 3 से 4 माह आपके पास हैं अगर, तो परीक्षा होने तक आप फॉलो कर लीजिए। थोड़ा आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा, थोड़ा आपको तकलीफ हो सकती है पढ़ने में, ठीक है, लेकिन आप परीक्षा होने तक बिल्कुल देख लीजिए। और हम नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं कि 30 प्रश्न अगर आपका जीएस के आए तो उसमें 28-29-30 प्रश्न तक आप करके आइए। मैं किसी प्रकार का जोखिम नहीं पालना चाहता हूँ, मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। सिलेबस वाइज सारे के सारे मटेरियल दिए जाएंगे और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे उनको सब सारे के सारे पीडीएफ भी सब कुछ मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, कंप्यूटराइज नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और लेक्चर्स, वीडियो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2000 से 2500 लोग टेलीग्राम पर ऐड हैं, आप भी ऐड हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको व्यक्तिगत टेलीग्राम पर जोड़ूंगा, जहां पर उनको अच्छे मॉक टेस्ट और जो बाकी सीरीज है वो भी मिलती रहेगी और पीडीएफ भी मिलता रहेगा। धन्यवाद आप लोग को।